प्रश्न चौदह निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स का मान ज्ञात कीजिए तो प्रश्न चौदह का चार अभी हल करेंगे जो कि है पांच का घात एक्स माइनस तीन गुना तीन का घात दो एक्स माइनस आठ बराबर 225 तो पांच का घात एक्स माइनस तीन गुना तीन का घात दो एक्स माइनस आठ बराबर 225 ये है प्रश्न तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं पांच का घात एक्स माइनस तीन गुना तीन का घात दो एक्स माइनस आठ बराबर दो सौ पच्चीस किसका वर्ग है पंद्रह का वर्ग है दो सौ पच्चीस किसका वर्ग है पंद्रह का वर्ग है तो हम दो सौ पच्चीस को लिख सकते हैं पंद्रह का वर्ग क्योंकि पंद्रह गुना पंद्रह क्या होता है दो सौ पच्चीस तो इस तरह लिख लेंगे अब इसको हम लिख सकते हैं पाँच का घात एक्स माइनस तीन गुना तीन का घात दो एक्स माइनस आठ बराबर पंद्रह को क्या लिख सकते हैं तीन गुना पाँच या पाँच गुना तीन तो लिख लेंगे पाँच गुना तीन और पंद्रह का घात दो है यानी पाँच गुना तीन का घात दो इस तरह हम लिख सकते हैं इसको अब इसको हम लिख सकते हैं पाँच का घात एक माइनस तीन गुना तीन का घात दो एक्स माइनस आठ बराबर पाँच गुना तीन दोनों पे घात दो है तो पाँच पे भी घात दो है और तीन पे भी घात दो है क्योंकि गुना में है देखिए पाँच गुना तीन तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं पाँच का घात दो गुना तीन का घात दो इस तरह लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पांच गुना तीन और कोष्टक लगा के घात दो लिखें चाहे पांच का घात दो गुना तीन का घात दो लिखें एक ही बात है अब देखिए यहां भी पांच का घात माइनस तीन है गुना तीन का घात दो आठ है बराबर पांच का घात दो है गुना तीन का घात दो है तो देखिए बीच में बराबर का चिन्ह है यानी बराबर के बाया तरफ और बराबर के दाएं तरफ बराबर है तो जब बराबर है तो देखिए आधार बराबर है पांच यहां भी है पांच यहाँ भी है तो घात भी बराबर हो जाएगा यानी x माइनस तीन दो के बराबर हो जाएगा उसी तरह तीन यहां पे आधार है यहां पे तीन आधार है देखिए दोनों आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगा यानी दो एक्स माइनस आठ किसके बराबर होगा दो के बराबर होगा तो हम लिख लेंगे अतः अतः एक्स माइनस तीन तो पांच का घात एक्स माइनस तीन बराबर किसके बराबर होगा तो पांच का घात दो के बराबर होगा या अब यहां पे या लिख देंगे या तीन का घात दो एक्स माइनस आठ किसके बराबर होगा तो तीन का घात दो के बराबर होगा तो पाँच का घात एक माइनस तीन किसके बराबर होगा पाँच का घात दो के बराबर होगा और तीन का घात दो एक माइनस आठ किसके बराबर होगा तीन का घात दो के बराबर होगा क्योंकि देखिए दोनों तरफ पाँच इधर भी पाँच का घात एक्स माइनस तीन है और इधर पाँच का घात दो है और गुना में है तीन का घात दो एक्स माइनस आठ इधर है तीन का घात दो तो जब आधार बराबर है यानी पाँच का घात एक माइनस तीन है इधर पाँच का घात दो है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा उसी तरह तीन का घात दो एक माइनस आठ तीन का घात दो के बराबर होगा तो देखिए यहाँ पे क्या है आधार बराबर है पाँच इधर भी है पाँच इधर भी है आधार में तो घात बराबर हो जाएगा यानी एक माइनस तीन बराबर होगा दो के तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा यानी एक बराबर हो जाएगा दो प्लस तीन यानि पाँच एक बराबर कितना हो जाएगा पाँच उसी तरह इधर भी कर देंगे आधार बराबर है देखिए तीन का घात दो एक्स माइनस आठ है और यहां पे तीन का घात दो है तो जब आधार बराबर है बरा दोनों तरफ तो घात भी बराबर होगा यानी दो एक्स माइनस आठ बराबर हो जाएगा दो के तो दो एक्स बराबर कितना हो जाएगा दो प्लस आठ तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा आठ दो दस दस बटा दो यानी तो बराबर पांच तो देखिए दोनों दोनों स्थिति में एक्स बराबर पांच आ रहा है यहाँ भी देखिए एक्स बराबर पांच आया और यहाँ भी एक्स बराबर पांच यानी इसका उत्तर हो जाएगा बराबर तो इस तरह हल करेंगे क्योंकि क्योंकि इसमें देखिए पांच का घात एक्स माइनस तीन गुना तीन का घात दो एक्स माइनस आठ बराबर पांच का घात दो गुना तीन का घात दो आया था तो जिसका आधार बराबर होगा उसका घात भी बराबर होगा तो इसीलिए हम दोनों को इस तरह से करके हम इसका एक्स का मान लाएंगे तो यहाँ पे बीच में या लिख दिए हैं यानी पांच का घात x माइनस तीन बराबर पांच का घात दो या तीन का घात दो एक्स माइनस आठ बराबर तीन का घात दो तो एक्स बराबर कितना आ गया पाँच यानी इसका उत्तर होगा x बराबर पांच. प्रश्न पांच तो प्रश्न पांच है तीन का घात तीन एक्स तीन का घात तीन एक्स गुना तीन का घात दो एक्स बटा तीन का घात एक्स बराबर तीन का घात बीस का मूल यहाँ पे चार लिखा हुआ है यानी तीन का घात बीस का चारवां मूल इस तरह से है तो बीच में बिंदु है इसका मतलब क्या है गुना में है तो तीन का घात तीन एक्स गुना तीन का घात दो एक्स बटा में तीन एक्स है तो देखिए गुना में गुना में है और आधार बराबर है यानी यहां भी तीन है यहां भी तीन है तो गुना में क्या होता है जब आधार बराबर होता है तो घात को जोड़ लेते हैं यानी इस इसको हम लिख लेंगे तीन एक्स प्लस दो एक्स यानी घात को जोड़ लेंगे तो तीन एक्स प्लस दो एक्स तीन का घात तीन एक्स प्लस दो एक्स बटा तीन का घात एक्स बराबर तीन का घात बीस बटा चार लिख लेंगे देखिए तीन का घात बीस है यानी तीन का घात बीस का चारवां मूल है तो कितना है तीन का घात बीस है यानी बीस को अंश लिख लेंगे और चार जो यहाँ पे है उसको हर यानी तीन का घात बीस बटा चार हो जाएगा तो जो मूल रहता है उसको हर में लिखते हैं और जो घात है जो संख्या पर घात होता है उसको ऊपर लिखते हैं यानी तीन का घात बीस बटा चार लिख लेंगे इस तरह जो लिखा हुआ है उसको हम कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो तीन का घात बीस बीस का चारवा मूल को हम लिख सकते हैं तीन का घात बीस बटा चार इस तरह लिख लेंगे अब यहाँ पे तीन का घात तीन एक्स प्लस दो एक्स है तो इन दोनों को जोड़ देंगे यानी तीन का घात कितना हो जाएगा तीन एक्स प्लस दो एक्स यानी पांच एक्स बटा तीन का घात एक्स बराबर तीन का घात बीस बटा चार इसको इसी तरह रहने देंगे तो घात को जोड़ने पे कितना आ गया तीन का घात पांच एक्स और बटा में है तीन एक्स अब देखिए तीन का घात पांच एक्स को तीन एक्स से भाग दिया जा रहा है क्योंकि बटा में है तो जो नीचे रहता है यानी जो हर है उससे अंश को भाग देते हैं तो भाग में है और आधार बराबर है देखिए तीन यहां भी है तीन यहां भी है आधार बराबर है तो घात को घटा लेंगे यानी लिख लेंगे तीन का घात पांच एक्स माइनस एक्स बराबर तीन का घात बीस वटा चार इस तरह हम इसको लिख सकते हैं तो यहाँ पे घात को घटा लेंगे क्योंकि भागा में है और आधार बराबर है तो पाँच एक्स माइनस एक्स यानी तीन का घात पाँच एक्स माइनस एक्स लिख लेंगे और बराबर तीन का घात बीस वटा चार अब तीन का घात पाँच एक्स में से एक्स घटाएँगे एक्स में से एक्स घटाएंगे तो क्या हो जाएगा चार एक्स यानी तीन का घात चार एक्स बराबर तीन का घात बीस बटा चार इस तरह लिख लेंगे अब यहां पे अब बराबर के बायां तरफ भी देखिए आधार में तीन है और बराबर के दायां तरफ भी आधार में तीन है तो जब आधार बराबर है देखिए बराबर के बाया तरफ कितना है तीन है आधार में और बराबर के दाया तरफ भी तीन है तो जब दोनों तरफ आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगा तो लिख देंगे चारिक्स बराबर बीस बटा चार क्या लिख देंगे चारिक्स बराबर बीस बटा चार यानी आधार को बराबर कर लेंगे ये माफ कीजिए आधार तो बराबर है मतलब घात को बराबर कर लेंगे दोनों तरफ चार एक्स किसके बराबर हो जाएगा बीस बटा चार के बराबर क्योंकि आधार बराबर है दोनों तरफ तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा तो देखिए अतः एक्स बराबर बीस बटा चार भागा चार तो चार क्या है एक्स के साथ गुना में है बराबर के बायां तरफ चार क्या है एक के साथ गुना में है बराबर के बाया तरफ तो चार को दाया तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा यानी भागा चार लिख देंगे ये ये जो चार है इसको हम इधर भेज रहे हैं बराबर के दाया तरफ तो भाग में हो जाएगा तो अब इसको हम लिख सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा बीस बटा चार गुना एक बटा चार तो भागा है तो गुना में बदलेंगे तो एक बटा चार हो जाएगा चार चार क्या हो जाएगा एक बटा चार तो देखिए चार पचे बीस काट लेंगे चार पचे बीस यानी कितना आ गया बराबर आ गया पांच गुना एक पांच और बटा में है चार यानी एक्स बराबर पांच बटा चार इसका उत्तर होगा इसका उत्तर कितना होगा एक्स बराबर पांच बटा चार तो इस तरह से प्रश्न चौदह का पांचवा हल करेंगे